देखिए अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनकी जो इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयां हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या में क्या? मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जो जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं, बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। कितना क्या आपको अनुमानित लग रहा है कितने समय में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने बताया कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब कोई भी और मृतक या घायल मिलने की आशंका नहीं है। हाँ, आशंका नहीं है, फिर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस कार्रवाई को जब तक हम पूर्ण नहीं कर रहे हैं तब तक पूरा ऑल ड्रिल्स जो है ऑल मेडिकल ड्रिल्स NDRF की SDRF की हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं कार्रवाई। घायलों के बारे में अभी घायलों के लगभग स्थिति ठीक है, अभी घायलों का पूरा अभी जो हॉस्पिटल से हम लोगों को जो डॉक्टर्स वगैरह से जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार सबका प्रॉपर इलाज हो रहा है, उनमें सारे लोगों को पूर्ण रूप से उनको कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनकी जान बचाई है बच गई है। आखिरी सवाल है क्या कुछ कौन कौन सी टीमें अभी यहाँ? अभी यहाँ पर जनपद स्तर की जो टीमें हैं हमारी लखनऊ कमिश्नरेट की उस फोर्स की वगैरह की और जो हमारी टेक्निकल टीम उसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का और NDRF की टीमें टेक्निकल टीमें लगी हुई हैं। दे आर डूइंग वेल, कोशिश किया जा रहा है कि समय से हम लोग इसको पूरा कर लें।